गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे हैं और मम्मी पापा का बात आप लोग मानते हैं। घर में ठीक से रहिए और बाहर नहीं निकलना है। जो यहाँ से मैथ भेजा जा रहा है उसको टोटल बना करके रखना है। इसके पहले आपको प्रश्न पत्र गया था, क्वेश्चन पेपर गया था, वो टोटल बना कर करके और सुरक्षित रखना है। जैसी विद्यालय खुलता है तो आपको जमा कर देना है। दूसरी बात है कि आपको प्रत्येक दिन एक पेज हिंदी और एक पेज इंग्लिश का राइटिंग लिखना है। इंग्लिश राइटिंग कर्सिव लेटर में होनी चाहिए, उसको लिख कर कर करके और जमा करना है। प्रत्येक दिन का होना चाहिए, जितने दिन छुट्टी है उतने हम राइटिंग देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोग इसके पहले पढ़े ही हैं कि नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर पढ़े थे। व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। जितने काउंटिंग नंबर है, गिनती की संख्या है, वो सब नेचुरल नंबर होता है। जैसे वन से काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन्फिनिटी, दीज आर रेशनल नंबर। एंड होल नंबर, इफ वी काउंट विथ जीरो आर रेशनल नंबर, या इफ जीरो इज एड इन नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। जब काउंटिंग नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं तो वह होल नंबर हो जाता है। जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इन्फिनिटी तक, दीज आर होल नंबर। एंड इवन नंबर, डेट नंबर डिवाइड बाय टू, इट इज कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर दो से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। दो से डिवाइड होने वाला, टू फोर सिक्स एट, ये सब दो से डिवाइड हो जाता है। और दैट नंबर हु कैन नॉट डिवाइड बाय टू, वह नंबर जो दो से डिवाइड ना हो, दीज आर ओड नंबर, उसको ओड नंबर कहते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत इजी है, आप पढ़े भी हैं, केवल रिवीजन हम लोगों को करना है। तो देखिए, आपको काउंट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड काउंट करने के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो को होता है यार बच्चों, फॉरवर्ड काउंट करने के लिए। तो फॉरवर्ड काउंट जैसे 395 है, इसके बाद क्या होगा, तो 396, 397, 398, 399, इसके बाद कितना, 400, 401, 402, 403, ये सब क्या, फॉरवर्ड काउंटिंग, काउंट फॉरवर्ड या फॉरवर्ड काउंटिंग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर फॉरवर्ड काउंटिंग। एंड बैकवर्ड काउंटिंग, व्हाट काउंट बैकवर्ड, डाउन काउंटिंग जिसको हम कहते हैं, पीछे की ओर, 100, 99, 98, 97, 96,
दीज आर बैकवर्ड काउंटिंग, अब इसको बैकवर्ड काउंटिंग यही से करना है, 343 343, 342, 340, 339, 330, 337, 336, 335 दीज आर व्हाट बैकवर्ड काउंटिंग, पीछे की ओर, बैक काउंटिंग, बैक मतलब पीछे होता है। थ्री नंबर क्वेश्चंस, राइट द नंबर इन बिटवीन, बिटवीन मींस बीच में, अब 390, 349, 351 ये बीच में क्या होगा तो काउंट करिए, 349, 350, 351 दोनों के बीच में होगा। राइट द नंबर नेम, नंबर नेम इन राइट इन वर्ड, इन अदर वर्ड्स आई से दैट राइट इन वर्ड, 236, तो 236 इस तरह से वर्ड में लिखा गया। एंड राइट द नंबर्स, जैसे 579 वंस, टेंस, हंड्रेड, तो 500, 579, 79 अंडरस्टैंड। एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर, व्हाट इंक्रीजिंग ऑर्डर, 269, 266, 326, 467। तो इसको क्या कर रहे हैं हमको, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट को शुरू में लिखते हैं, तो 226 इंक्रीज कर रहा है, तो इसके बाद ग्रेटर कौन है, तो 369, फिर सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, तो ए आपका हो गया 467। ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेगा तो सबसे ग्रेटर को भी स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर से स्टार्ट करेंगे, तब फिर उससे स्मॉलर को लिखेंगे, तब फिर उसमें स्मॉलर को, तो इस तरह से ए आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अगर उल्टा लिख देते हैं तो ओ आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है। अब कोई भी डिजिट से बिगेस्ट नंबर बनाना है या स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो कैसे हम बिगेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, तो बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बिग को शुरू में लिखेंगे, सबसे बड़ा को शुरू में लिखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 5 है, तो 5 लिख दिए, फिर उससे छोटा 2, इट इज बिगेस्ट नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा तो सबसे स्मॉल को लिखेंगे 0 को छोड़कर, याद रखिएगा 0 को छोड़कर करके सबसे स्मॉल जो होता है उसको लिखते हैं। अगर स्मॉलेस्ट कहेगा तो कितना लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट कहेगा तो कितना लिखना पड़ेगा, 205, ऐसे कर करके, क्योंकि 0 शुरू में नहीं लिख सकते हैं। अब अदर प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू, 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट फाइंड द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू,
तो फर्स्ट वंस टेंस हंड्रेड्स, अब जानते हैं काउंटिंग, नो डाउट काउंटिंग, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इट इज इंडियन सिस्टम काउंटिंग। तो प्लेस वैल्यू वंस टू टेंस तो 808, हंड्रेड 800 600 सिक्स है, वंस टेंस हंड्रेड 600, इट इज प्लेस वैल्यू। एंड इवन नंबर, यू नो दैट इवन नंबर, व्हाट इवन नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, इवन नंबर दैट नंबर हु डिवाइड बाय टू, इट इज कॉल्ड इवन नंबर। एंड इवन नंबर, अब इसमें और भी इवन नंबर है, तो जिसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह इवन नंबर होगा। यूनिट प्लेस पर 2 है तो यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस 2 है तो ये इवन नंबर हो गया, और भी इवन नंबर होगा उसको लिख देना है। ओड नंबर दैट दैट नंबर या दैट नंबर हु कैन नॉट डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, तो उसके यूनिट प्लेस पर ओड नंबर ही रहेगा, जैसे 1, 3, 5, 7। तो देख लीजिए ये क्या चीज है, यूनिट प्लेस पर है, तो इसलिए ये सब क्या हो गया, ओड नंबर 633। अब इसके बाद जो होगा तो उसको लिख देना है। अब उसी तरह से लिखना रहेगा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 347, तो वही प्लेस वैल्यू जैसा, वंस टेंस हंड्रेड तो 300 जो भी आपको किताब में भरने के लिए रहेगा, 300 तो 3 भर दीजिएगा, वंस टेंस 4 टेंस और 3 वंस या यूनिट। इस तरह से हम बना लेंगे पूरे के पूरे चैप्टर हम बनाएंगे, और प्रत्येक दिन राइटिंग लिखेंगे, और 1 से 20 तक काउंटिंग लिखेंगे और याद करेंगे। काउंटिंग मस्ट है 1 से 20 तक, 1 to 20। थैंक यू।